चतरा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद अभियान में शामिल जवानों की हौसला अफजाई के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह अधिकारियों के साथ लावालौंग पहुंचे। सीआरपीएफ के एडीजी विपुल कुमार, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, आईजी अभियान एवी होमकर सहित कई अधिकारी मौजूद थे। एसपी राकेश रंजन और सीआरपीएफ डीआईजी कमांडेंट ने उन लोगों का हेलीपैड में स्वागत किया। डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीआरपीएफ बटालियन कैंप में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। और नक्सली मुठभेड़ में जवानों की हौसला अफजाई के लिए अभियान में शामिल पुलिस सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक, बटालियन कैंप में अधिकारियों के साथ बैठक की है डीजीपी ने। नक्सली मुठभेड़ अभियान के बाद हौसला अफजाई के लिए कैंप अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। और चतरा से संजय हमारे साथ है फोन लाइन पे। संजय, बटालियन कैंप में अधिकारियों के साथ बैठक की है डीजीपी ने। सुनाने में बता दूं कि कल जो है नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के दौरान जो है भाकपा माओवादी के 25-25 लाख के दो इनामी नक्सली मारे गए थे। उसके अलावा 2-5 लाख के दो नक्सली मारे गए थे। मिला करके है कि 5 नक्सली में 60 लाख की इनामी राशि के नक्सली मारे गए थे। और जो मारने के बाद जो है आज चतरा के अलावा लोग पहुंचे थे डीजीपी अजय कुमार और उनके साथ में जो सीआरपीएफ के एडीजी विपुल कुमार और एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर राव लाटकर और आईजी अभियान एमबी होम और डीआईजी नरेंद्र सिंह, उसके अलावा चतरा एसपी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश नक्सली को दिया है कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो जिस तरह से हो रहा अभियान और तेज किया जाएगा। उसके सबसे पहले यहाँ डीजीपी आया और डीजीपी ने जो अपने जवानों जो इस घटना इस वारदात में जो शामिल थे, जो नक्सली के द्वारा जिसे नक्सली पुलिस ने जैसे नक्सली को मार गिराया था, उनके साथ उन्होंने पहले बैठक किया और बैठक करने के बाद उनका हौसला को अफजाई किया और कहा कि आप लोग चिंता ना करें, आपके साथ हम लोग हैं और आप लोग जो है नक्सली जो गतिविधि जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है या लोगों को सताता है उस पर कार्रवाई कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। और उसके साथ ही जो जो टीम जो नक्सली से मुठभेड़ किया था उन टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। और उसके अलावा जो है चतरा के तमाम अधिकारी एसडीपीओ और चतरा एसपी और जितने भी थाना प्रभारी से सभी लोग वहां पहुंचे थे और सभी के साथ उन्होंने बैठक भी किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका तमाम जानकारी बोले। और बटालियन कैंप में अधिकारियों के साथ बैठक की है डीजीपी ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।